नवजात शिशु सहित महिला की मौत। परिजनों ने निजी अस्पताल का संचालन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में किया तोड़फोड़। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील अंतर्गत रतनपुर का है, जहां एक नवजात शिशु सहित महिला की मौत हो जाने से के बाद परिजनों ने रात में ही निजी अस्पताल के बाहर जमकर घेराव किया और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगे। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बरगदवा थाने के शिकारगढ़ निवासी दिलीप गौड़ की पत्नी 23 वर्षीय वंदना गौड़ और उसके नवजात शिशु को प्रसव पीड़ा के दौरान रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपराह्न 11 बजे भर्ती कराया गया, जहां पूर्वाह्न 12:30 बजे हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि रतनपुर मुख्य चौराहे के निकट एक निजी अस्पताल संचालक और उनके कर्मचारी द्वारा उन्हें सीएससी रतनपुर से बाला फुसला कर निजी अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसमें नवजात शिशु की जन्म के दौरान ही मौत हो गई। उसके बाद महिला की हालत बिगड़ते देख रात्रि 10:30 बजे के करीब महाराजगंज के लिए रेफर किया जा रहा था, जिसमें एम्बुलेंस के आने से पहले ही निजी अस्पताल संचालकों द्वारा बुलाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद आनंद फानंद में परिजनों द्वारा निजी साधन के द्वारा नेपाल इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका और किस प्रकार का मामला है आज? आशीष गौड़ नाम है हमारा। यहाँ पे मामला इस प्रकार का है, हम लोग घर से डिलीवरी लेकर आए थे यहाँ पे मिश्रौलिया, तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे एक घंटा वहाँ पे बैठे थे हम लोग, तो वहाँ पे जब ब्लड ज़्यादा गिर रहा था तो वहाँ का डॉक्टर रिफर कर दिया, तो यहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से फ़ोन यहाँ पे लगाएं, सब लोग फ़ोन लगाएं तो यहाँ का डॉक्टर वहाँ पे रिक्शा लेकर गया था, तो वहाँ से आए हम लोग यहाँ, तो यहाँ आए तो यहीं पे लेटी थी, बोतल वोतल चल रहा था तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे, तो डॉक्टर के पास फ़ोन किया था, उधर से गोरखपुर से आ रहा था डॉक्टर, तो आया डॉक्टर, हम वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके वहीं पे लेटाया था। हेलो। तो बोला खून करने के बाद क्या हुआ, मतलब बच्चा पैदा हुआ? हाँ बच्चा पैदा हुआ, ऑपरेशन करने के बाद बच्चा पैदा हुआ निर्जीव। हाँ। बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद बोला था कि खून की कमी है, तो हमारे भैया साहब ने गए थे वहाँ पे खून लेने महाराजगंज, वहाँ से खून लेकर आए तो शाम हो गई, तो शाम होते होते यहाँ पे आए खून लेकर, तो बोल रहे हैं सांस गंभीर हो गया, तो बोल रहे हैं ये सब बोल रहे हैं डॉक्टर कि लेकर जाओ यहाँ से महाराजगंज, तो महाराजगंज नहीं लेकर गए हम लोग, लेकर चले गए बुटवल, तो बुटवल में नेपाल में है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है, सुनौली जाते जाते एक्सपायर हो गई है। इस समय का स्थिति है, जब सुनौली बॉर्डर पे गए यहाँ से छुट्टी जब हुआ तो सुनौली जाते जाते एक्सपायर हो गई। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का कार्रवाई चाहते हैं? अब आगे यही चाहते हैं, इन लोग का लापरवाही है कि जब नहीं व्यवस्था है क्या करने के लिए जो है भर्ती किए, ये सब सेटिंग किए हुए हैं दलाल मिल करके, यहाँ सेटिंग कर दें अच्छे हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ना, ऑक्सीजन जब नहीं सही से है तो क्या करने के लिए ये सब किए। आप देख रहे हैं DBS News।